मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये स्वाम, ये देखिए, ये मक्खियाँ कोई भी काटेगी नहीं आपको, आप इनको आराम से पकड़ सकते हैं। थोड़ी बस करती है, बट इट्स ऑल राइट। देखिए पीछे सूरज कितना अच्छा रहा। हाँ, आज ही मक्खियों के साथ भाई। देख सकते हैं सारी मक्खियाँ हमारी। इसके अंदर एक रानी मक्खी होगी और उसी रानी मक्खी के कारण सारी मक्खियाँ यहाँ बैठी है। लेकिन इस मक्खियों में ढूंढना टफ रहता है, इसलिए हम इसको एक बॉक्स में कलेक्ट करते हैं और जहाँ जहाँ रानी जाएगी ये सारी मक्खियाँ वहाँ पर फॉलो करेगी उनको। ये देखिए हमारी सारी मक्खियाँ, और ये कोई भी काटती नहीं है। अभी आप छेड़ोगे तो जरूर काटेगी, बट इट्स ओके। और इन सारी मक्खियों के पेट में हनी है, तो ये एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए आराम से सर्वाइव कर सकती कहीं पे भी। तो अभी ये ट्राई करें कि इनको नया घर मिल जाए। नहीं मिलता तो हम बीकीपर लोग एक जो हमारा आर्टिफिशियल बॉक्स होता है वुडन, उसके अंदर इनको हम अपना एक घर बना के देते, उसके अंदर ये रहना चालू कर देते। इस टाइप से हमारे नए बॉक्सेस बन जाते हैं। तो इस टाइप से हम नई रानी बनाते हैं जो कि हमें प्रकृति से मिलती है, उससे हमारे बॉक्सेस मल्टीप्लाई होते हैं, उस तरह से हम अपना बी कीपिंग का करते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं आज बादल है, तो ये बादल के कारण हमारा हनी प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये कुछ क्लाइमेट चेंज भी हमको झेलना पड़ते हैं जिसके कारण हमारा हनी प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन मक्खियाँ ग्रो होती है ज़रूर। थैंक यू सो मच। अभी हम ये से वन तुलसी पे, तो ये हमारी वन तुलसी है। तो जो जनरली पूछते हैं कि तुलसी का हनी क्या होता है, वन तुलसी नाम का एक जंगली पौधा होता है जो कि पूरे जंगलों में होता है यहाँ पे, और उस जंगल का हनी हम निकाल रहे हैं जो कि आपको एक महीने बाद हमारे स्टॉक में मिल जाएगा। और ये सारी मक्खियाँ यही बनाती है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। कभी भी आप आइए हमारे फार्म पे, कभी आपको चेक करना है तो आप भी हमारे फार्म। हमारी कुछ मक्खियाँ भाग गई है, तब उनको पकड़ने जाना है हमको। आज भैंस भी चल रही थी पर हमें कहा कि जंगलों में मक्खियाँ चरा लें अपनी, तो चलो चलते हैं ढूंढते हैं मक्खी कहाँ भागी गई है। अपनी साइड को देखते हैं कहाँ से गई है। 2 करोड़ मक्खियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि मक्खियाँ कैसी देती है। क्योंकि हमारे बॉक्सेस होते हैं पूरे, ये हमारे न्यूक्लियस वाले, इसमें हम नई रानियाँ बना रहे हैं, कुछ मक्खियाँ हैं, इस टाइप का है पूरा ये। तो हमारी मक्खियाँ यहाँ से भागती गई है कुछ, तो अभी हमने देखी थी कुछ मक्खियाँ भाग के जा रही थी, हमने लगा पकड़ के लाएगी।